नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेड बी ए आशीष विश्वकर्मा में। दोस्तों, ये बाढ़ सीरीज का 14वां वीडियो है जो कि ब्लॉग है। हम अब तक 14 ब्लॉग बना चुके हैं। ये 14वां ब्लॉग है, 13 ब्लॉग पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसका हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है बाढ़ का। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। ये आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैं झोपड़ी बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पहले वाला झोपड़ी था वो टूट चुका था बाढ़ की वजह से। तो वो आप लोग हमारे पहले बाढ़ वाले ब्लॉक में देख सकते हैं, ये भी बाढ़ वाले ब्लॉक के प्लेलिस्ट में ही जाएगा। अगर आपको इस झोपड़ी को देखना है तो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से उस झोपड़ी को देख सकते हैं पहले वाले। और अगर आप लोग बाढ़ वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हमने बना रखा है बाढ़ वाला दिन नाम से, वहाँ पे आप जाकर पहले दिन से बाढ़ कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कैसे हम लोग की ज़िंदगी बदली और क्या क्या ख़राब हुआ, नुकसान हुआ, सब कुछ आपको दिखेगा। क्या क्या बाढ़ में हम लोग को तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या होता है, वो आप लोग हम देख सकते हैं उस बाढ़ वाले वीडियो प्लेलिस्ट में, जिसमें टोटल वीडियो 13 हैं। या 14वां वीडियो है वो भी इसी प्लेलिस्ट में जुड़ेगा। तो चलिए उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। मैं इस समय झोपड़ी बना रहा हूँ, ठेले पे खड़े होकर, ठेला फंसा हुआ है। बाय दोस्तों, ये शनिवार का दिन है और ये 14वें ब्लॉक का ही हिस्सा है। ये पागल कुत्ता आ गया है, ये हमें काटने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए सरकार का पैसा किस तरह बर्बाद हुआ है। यहाँ पे पीपा पुल टूटा हुआ पड़ा है, ये जाली लगी थी वरना कॉरिडोर में, बाढ़ के वजह से सब पेड़ ख़राब हो गया है। पेड़ भी लगा था उसमें, सिर्फ जाली नहीं। और रास्ते की हालत आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे कोई सफाई करने वाला नहीं है। ये बाढ़ के बाद एक हफ्ते के बाद मैं इधर आ रहा हूँ, एक हफ्ते से ज़्यादा हो रहा होगा। ये पेड़ टूट गया है, यहाँ पर भी कोई पेड़ तक को हटाने वाला नहीं आया है। हमारी सरकार पता नहीं कहाँ पर क्या कार्य कर रही है, ये हमें नहीं पता। ये रास्ते की हालत है, लगभग बाढ़ जाने के 6 या 7 दिन बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इधर वरना कॉरिडोर के रास्ते पर। और देखिए यहाँ पे कितने सारे रेलिंग तोड़ दिए गए हैं। नदी घट चुका है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों कितनी इधर बर्बादी है, ख़राब पड़ा हुआ है सब सामान, पीपा पुल टूटा पड़ा है, रेलिंग टूटी हुई है, एक पेड़ गिरा हुआ है, रास्ते में कीचड़ है, माटी जमा है, वहाँ से किसी ने कुछ हटाया नहीं है। ये तो आम लोग के हैं, यहाँ रहते हैं, वो इधर की सफाई करते रहते हैं, तो सफाई होती रहती है। और चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कीचड़ है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। बस कॉरिडोर में का नाम है, कॉरिडोर के नाम पे बहुत सारे पैसे ब्लैक हो जा रहे हैं, क्या बताएं कैसे हो रहे हैं। आप लोग तो समझदार हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पे देखिए एक भाई का चप्पल टूट गया है इसी कीचड़ में फंसने की वजह से, हालांकि हम भी चप्पल में ही आए हैं, चपक रहा है चप्पल, आराम से चल रहे हैं, 2 बार गिरने से बचे हैं। जब जा रहे थे इधर से तब गिरे थे हम, जब सेफ रास्ता देख लिए तब वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देख रहे हैं पेड़ का 12 बज गया, जितना पेड़ लगा था सब सूख गया, सब के सब पेड़ सड़ चुके हैं। ये आपका सामने पुल दिख रहा होगा, नक्खी घाट पुल, और नदी इतना बड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को हम अपना झोपड़ी दिखाते हैं जो हम कल बना रहे थे, शुक्रवार के दिन बनाए थे झोपड़ी, पूरा कंप्लीट हो गया, रात हो गया बनाने में उसको, तो हमने उसको वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि रात हो गया था। अब बना रहे हैं वीडियो, और आज रौनक का बर्थडे है हमारे भांजे का, आप लोगों को वीडियो में पहले बताया था, तो उसका बर्थडे आज सेलिब्रेट होगा। चलिए देखते हैं, हम आपको झोपड़ी दिखाते हैं अपना।
Whip up my appetite.